साबका मकामी अमीर समेत 10 अफराद जाँ बहक, 35 अफराद जख्मी। खार के इलाके दुबई मोड़ के करीब कन्वेंशन के दौरान जोरदार धमाका हुआ। इमदादी सरगर्मियां जारी, पुलिस का कहना है कई जख्मियों की हालत तश्वीशनाक है। जख्मियों को पिशावर मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके में निजी टीवी का मकामी कैमरामैन भी जख्मियों में शामिल। पाक चीन दोस्ती हमालिया से बुलंद, सीपैक के बेमिसाल 10 साल जश्न की तैयारियां। चीन के नायब वजीर आजम और कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में रेड कारपेट की तमाम तैयारियां मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम सदर, वजीर आजम, वजीर खारिजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। चीनी सदर की आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। चीनी नायब वजीर आजम सीपैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में कल और 1 अगस्त को आम तातील का ऐलान। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। सीपैक पाक चीन दोस्ती के लिए नया मेयार बन गया। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर चीनी वजारत खारजा का बयान। कहा पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीब का अहतमाम करेगी। नायब वजीर आजम तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरा रिवायती दोस्ती को मजीद आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर और फौलादी दोस्त। आपने सेशन वैसे बुलाया इस बिल के लिए? बिल के लिए बिल्कुल नहीं था। सेशन इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाएं तो 3 दिन काउंट नहीं होते। सारे पार्लियामानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे ना करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। इंतहा पसंदी की रोकथाम का हुकूमती बिल सैनेट में पेश। चेयरमैन सैनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। सादिक संजरानी ने कहा कि हुकूमत करे या ना करे, मैं बिल को ड्रॉप करता हूँ। हुकूमती इतिहादियों और अपोजिशन ने भी बिल की मुखालफत की। शदीद मुखालफत पर बिल पर मजीद कार्रवाई रोक दी गई। वजीर ममलकत कानून शहादत आवान के बिल पेश करते ही अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सैनेट ने कहा कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सादिक संजरानी ने मुजवजा बिल पर ऐवान से राय मांगी। कड़ी मुखालफत के बाद बिल को ड्रॉप कर दिया। हौसला रखें, हम सब एक दूसरे के साथ हैं कि उजलत का की लेजिस्लेशन जो है वो किसी को अच्छी नहीं लगती। आपने अगर बुलडोज किया होता जिस तरह किया है, मैं नहीं कहना चाहती। हम आपकी मतलब अक्स में नहीं होना चाहते और अगर बेहतरी लाना चाहते हैं हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करें। इस तरह की लेजिस्लेशन है सर जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन, ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। ये एक ऐसा बिल है 33 क्लॉजेस और 24 सफात पर जो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। बदकिस्मती से जो हुकूमत बरसर इक्तदार होती है उसको मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। उजरत में कानून साजी किसी को अच्छी नहीं लगती। शरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा असेंबली खत्म होने वाली है इसलिए बिल लाए जा रहे हैं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा इस शिकंजे में पता नहीं कल कौन कौन कसा जाएगा। बिल को पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था, बिल जल्दबाजी में पास हो रहा है। अब्दुल गफूर हैदरी ने बिल पेश करने की सूरत में वॉकआउट का ऐलान किया। बोले बदकिस्मती से बरसर इकतदार हुकूमत को मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता, फिर वो फंदा इन्हीं के गले में फंसता है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कामरान मुर्तजा बोले आज शायद आप अपने हाथ काट रहे हैं, कल ये बिल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। सेनेटर ताहिर वजंजो ने बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। सैनेट से तोशाखाने के इंजबात और मैनेजमेंट का बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। बिल वजीर ममलकत शहादत आवान ने पेश किया। कौमी असेंबली पहले ही बिल की मंजूरी दे चुकी है। बिल के तहत तहाइफ तोशाखाना में जमा ना कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर, वजीर आजम और विफाकी वज़रा के अलावा मुसल्ला अफवाज और अदलिया के अराकीन को भी तहाइफ जमा कराने होंगे। बिल का इतलाक सरकारी अहदेदारान और निजी अफराद पर होगा जो सरकारी वफ्द में शामिल होंगे। BPS 1 ता BBS 4 के नकद तोहफा लेने वाले मुलाजमीन मुस्तस्ना होंगे। सरकारी अहदेदार या निजी शख्स को मिलने वाला तोहफा मुकर्रा वक्त और तरीक़ेकार के तहत जमा कराना होगा। विफाकी हुकूमत इस कानून की मंजूरी के बाद तोशाखाना के हवाले से कवायद बना सकेगी। तहाइफ जमा ना करवाने वाले सरकारी अहदेदार या निजी शख्स को सजा होगी।
2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराओ धरने दिए गए, 2018 में कौम के मुस्तकबिल को बिगाड़ा और मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिका हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा 74 अरब का मंसूबा इनकी हठधर्मी की वजह से 77 अरब में मुकम्मल हुआ। तकरीब से खिताब में बोले, PTI दौर में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। नवाज शरीफ के बुग्ज़ में कई मंसूबे बंद कर दिए गए, जब कशकोल लेकर बाहर जाते हैं तो शर्म आती है। शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया, कहा मेडिकल सिटी मंसूबा 50 अरब की लागत से मुकम्मल होगा, जो दुनिया भर के किसी भी मेडिकल सिटी के हम पल्ला है। रिंग रोड मंसूबे का एक जुज रह गया है। मुद्दत खत्म होने से पहले असेंबलियां तहलील करने की समरी सदर को भेज देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा कौमी असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और JUI समेत इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जहां सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, वहाँ मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अगर नून लीग इलेक्शन जीती तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। शायद ये चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और फिर इसका तमाशा बने। अल्लाह का शुक्र है और हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी कि पाकिस्तान अपनी सॉवरन कमिटमेंट्स को वक्त पे पूरा करेगा, IMF और नो IMF। दुनिया चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और उसका तमाशा बने। पाकिस्तान ने तमाम बैरूनी अदायगियां बर वक्त की हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचने वाले हैं। कोशिश है 15 अरब डॉलर तक पहुँच जाएँ। इस हकदार का सेनेट में इजहार ख्याल, 3 माह की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। IMF से मुआहदा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। UAE के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने उनका इस्तकबाल किया। सरकारी दौरे में वजीर खारजा अमाराती हमनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैदुल नहान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के भाई के इंतकाल पर ताजियत भी करेंगे। बिलावल भुट्टो का दौरा UAE के साथ मजबूत रवाबित और दो तरफा दावन की अकासी करता है। दोनों ममालिक बरादराना ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने और इक्तसादी शराकतदारी को गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पार्लियामेंट की तहलील का फैसला इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो भी नाम होंगे वो सामने आ जाएंगे। वज़ीर इत्तला ने रेडियो पाकिस्तान के 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम व्यू ट्रांसमीटर की तनसीब के मनसूबे का ऐलान किया। बोली मनसूबा रेडियो पाकिस्तान की तारीख में इनकलाबी संग मील है। ट्रांसमीटर की तनसीब से रेडियो पाकिस्तान की नशरियात 52 से ज़ायद ममालिक तक जाएंगे। सियासी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुत्तफ़िका तौर पर 5 नाम तय कर लिए हैं। वफ़ाकी खुर्शीद शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं 5 नाम न्यूट्रल हैं। अगर बता दूं तो दबाव आएगा, इसको हटा दो इसको डाले। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अक्टूबर 2024 से K4 मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का UAE का दौरा, सदर शेख मोहम्मद बिन जायदुल नेहान से मुलाकात में भाई शेख सईद बिन जायदुल नेहान की वफात पर ताजियत की, मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ मगफिरत की। सरबरा पाक फजाई का दौरा चीन, आला अस्करी की क़यादत से मुलाकातें। तर्जुमान पाक फजाई के मुताबिक एयर चीफ की चीनी वजीर दिफा और पीपल्स लिब्रेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैनुल-अक़वामी सियासी माहौल और दोनों ममालिक पर असरअंदाज होने वाली मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों फजाई अफवाज के मबैन ताबुन स्ट्रेटेजिक इतिहाद और तरबियती शोबे में पहले से मौजूद दो तरफा तालुकात को फरोग देने के अज़्म का अहादा। का बहुत बड़ा क्राइसिस है, बजाय इसके कि इस क्राइसिस को का देर पा कोई हल सोचा जाता, वो तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो सिंध हुकूमत के पूरे भत्ते के निजाम के साथ चल रहे हैं, टैंकर्स माफिया को पानी नाजायज तरीके से ये हुकूमत दे रही है, जायज तरीके से पानी लोगों को नहीं दे रही। इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी की इस परफॉर्मेंस और करप्शन से नफरत करते हैं। आप इंतकाम लेंगे उनसे कि वो पीपल्स पार्टी की करप्शन के निजाम में शामिल क्यों नहीं होते। हम पीपल्स पार्टी के इस इंतकामी रवैये को पूरी दुनिया में एक्सपोज करेंगे।
कब्जा मेयर ने पानी बंद कर दिया। बंदिश के खिलाफ 4 अगस्त को वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, करप्शन का कारोबार नहीं चलेगा, पानी पर बिजली पर सियासत नहीं चलेगी। हुकूमत टैंकर्स को पानी दे रही है, आवाम को नहीं। मजीद बोले, कराची वालों से पीपल्स पार्टी की नफरत का इंतकाम लिया जा रहा है। MQM कराची के मसाइल पर समझौता करती रही। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बढ़ने के इम्कान। भारत की तरफ से सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने पर गंदा सिंह बाला के मुकाम पर भी सतह बुलंद होने लगी। सतलुज में रात तक मजीद पानी के इम्कान बढ़ गए। सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट, तरबेला, कालाबैग, कालाबाग, तशमा, तोसा और बिल्लो की और सधनाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर के करीब मोमिका के मुकाम पर बंद टूट गया। बलूचिस्तान में तबाही, वाशिक में डैम टूटने से कई देहात ज़ेर-आब, तैयार फसलें बह गई। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, शाहरे कराकरम और जुगलॉट स्कर्दू रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद। सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रेले ने घोटकी और सखर में कच्चे के दर्जनों देहातों को डबो दिया। तीन रोज गुजर जाने के बावजूद पुराना सखर के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहरियों का सखर रोड़ी रोड पर एहतजाज, आग लगाकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ नारे, ट्रैफिक मअतल हो गया। मेयर अरसलान शेख की मुजाहरीन को जल निकासी आप की यकीन दहानी, कहा कल से काम शुरू हो जाएगा, आइंदा बारिश में इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आएगी। कच्चे में डाकू और सहूलत कारों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। आज सिंध ने वजीर आला को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 5,400 एकड़ का इलाका क्लियर कर दिया। 52 डाकू मुकाबले में हलाक, 10 मुगवियों को बाजियाब करा लिया। 85 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर चुके। मुराद अली शाह ने कहा कि कच्चे में कोई भी मुगवी जरगमाल नहीं, अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर है। 40 अफराद को पुलिस ने अगवा होने से बचाया। कच्चे के दाखिली खारिजी रास्तों पर 170 पुलिस चौकियां कायम की गई हैं। चारों इजला में 70 खतरनाक डाकू मारे जा चुके हैं। निस्वानी आवाज के झांसे में अगवा का सिलसिला खत्म हो चुका है। वजीर आला ने पुलिस को जदीद असलाह देने की यकीन दहानी करा दी। मजीद कहा कि कश्मीर को 10 दिन में डाकुओं से पाक करेंगे और फरहान सोमरू समेत तमाम 9 मुगवियों को बासियाब कराएंगे। बुजदिल डाकू अब बच्चों को अगवा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सफाकाना तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा की हालत में बेहतरी। रिजवाना 5 रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। अस्पताल के प्रोफेसर प्रिंसिपल जफरी अलफरीद ने बताया कि बच्ची ने खुद खाना मांगा, नर्म गजा देना शुरू की, प्लेटलेट्स कम हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लड कैंसर की रिपोर्ट भी क्लियर है, ऑक्सीजन की अब भी ज़रूरत पड़ रही है। बच्ची के वालिद ने इंकशाफ किया कि धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है केस वापस ले लो, पैसों का लालच भी दिया जा रहा है, गरीब इंसान हूँ, कुछ नहीं हो सकता। वालदा का कहना है बेटी को जहर देने की कोशिश की गई। कराची अबू अल हसन सफहानी रोड पर फायरिंग से एक शख्स जा बहक। शनाख्त 70 साल हसन के नाम से हुई। मकतूल बल्दिया टाउन का रिहायशी था, कनीज फातिमा सोसाइटी रिश्तेदार के घर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। लवाहिकीन का कहना है कि किसी से दुश्मनी नहीं थी। बेटे का कहना है कि फायरिंग किसने की, क्यों की, कुछ इल्म नहीं। लाश आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। औरंगी टाउन में डकैती करके फरार होने वाले मुसल्ला मुलजमान आवाम के हत्थे चढ़ गए। इज्तिमा गाह के करीब फुटबॉल खेलने वाले नौजवानों ने दुर्गत बना दी, तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। एक डाकू हलाक, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में बच्चे ने 1,000 रुपये के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बहादुरी से डाकू के लूटने का मिशन नाकाम बनाकर भागने पर मजबूर कर दिया। फारूकपुरा में डाकू ने बच्चे से पैसे छीनने की कोशिश की, गुत्था हो गए। वाकई की CCTV फुटेज बोल न्यूज पर। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पास सिर्फ 1,000 रुपये थे। मुलजिम को वीडियो की मदद से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। LPG की ब्लैक मार्केटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान, तमाम दुकानें दिन 12 बजे से बंद रहेंगी। इरफान खोकर ने मजीद कहा, सार्फीन तक सरकारी कीमत पर गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ताखीर का शिकार। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ताहाल फाइनल ना हो सका। कमेटी की PCB के डिपार्टमेंट से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। क्रिकेट कमेटी जका अशरफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ब्रीफिंग देगी। जका अशरफ की मंजूरी के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में मजीद तोसी नहीं होगी।
क्रिकेट को खैरबाद कह दिया, तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ब्रॉड ने ऐलान किया एशेज सीरीज का पांचवा टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। स्टुअर्ट ब्रॉड ने ओवल में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्ताम के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। यूनान के दारुलहुकूमत एथेंस में सूरज की हीट कम होते ही सयाहों का रश बढ़ गया। गर्मी के बाद सबसे बड़े तारीखी मुकाम एक्रोपोली को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बंद कर दिया गया था। पाबंदी खत्म होते ही सयाहों की बहुत बड़ी तादाद एक्रोपोली पहुंच गई। योमिया रिकॉर्ड 23,000 सयाह पहुंच चुके हैं। थाईलैंड में फायर क्रैकर्स के गोदाम में धमाके से हलाक अफराद की तादाद 21 हो गई, जबकि 121 जख्मी हैं। धमाके से गोदाम के अतराफ के 200 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोदाम में धमाका वेल्डिंग करने के दौरान पेश आया। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।